हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू यू इन माय यूट्यूब चैनल कृष्णा ट्यूटोरियल। फ्रेंड, हम आपको अपनी इस वीडियो में एक कंगारू बनाना सिखाएंगे। देखिए फ्रेंड, हम इस कंगारू को बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने नेचुरल क्ले लिया है और फर्स्टली फ्रेंड हम एक गोला बना लेते हैं। उस गोले को ऊपर से पतला और नीचे से थोड़ा मोटा बनाएंगे। बिल्कुल इसी तरह हम एक फेस इसका बनाएंगे, चेहरा बनाएंगे, वो भी लगभग इसी की शेप जैसा होगा। और हम इसके लिए दो पैर बनाएंगे। फ्रेंड्स, ये पैर भी इसके मुंह के समान ही बनेंगे। ये भी हमें दो गोले बिल्कुल सेम रखने होंगे लेफ्ट और राइट पैर के लिए। ये कंगारू हमारा जो है वो बैठी हुई शेप में है, तो इसलिए हमें छोटे ही पैर बनाने होंगे। देखिए, अब इन्हें अटैच करके हम आपको दिखा रहे हैं। अब फ्रेंड, इसके बाद हम इसके दो हाथ लगाएंगे। दो हाथों के लिए हमें बराबर बराबर ही मिट्टी लेनी है और उनकी शेप हमको बनानी है। देखिए, अब हम इन्हें इस तरह से अटैच कर देते हैं। इन्हें बनाना और लगाना बहुत ही आसान है। अब फ्रेंड, हम इसके दोनों पैर बना देते हैं, यानी उसके नीचे के जो तलवे होते हैं वो लगा देते हैं। देखिए, अब ये कंगारू बैठा। फ्रेंड्स, अब इस कंगारू के हम दोनों कान लगा देते हैं। देखिए, इसके दो कान होते हैं और दो इसकी आइज़ होती हैं। अब हम इस कंगारू के दो आइज़ भी लगा लेते हैं। देखिए, छोटे छोटे से हमने दो गोले बनाए और वो आइज़ की जगह हमने अटैच कर दिए। अब फ्रेंड, इसके बाद हम इसकी पूंछ बना लेते हैं। इसकी पूंछ को बनाना भी बहुत ही आसान है। हम एक पत्ती के आकार यानी कि लीफ जैसी पत्ती बना लेते हैं मिट्टी से, और देखिए वह इसकी जो है पूंछ यानी टेल बन जाती है। इसे हम बिल्कुल इसकी बैक साइड में अटैच कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अब एक कंगारू बन के तैयार हो गया है। अब हम इसमें फिनिशिंग के लिए पानी से जो है इसे फिनिशिंग दे देते हैं। फ्रेंड, देखिए, अब हम इनमें कलर करने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए हैं। इन्होंने सूखने के लिए 2 दिन का टाइम लिया है। मैंने इन्हें सनलाइट में नहीं, अपने रूम के अंदर ही सुखाया है। इससे ये फ़ायदा होता है कि ये क्रैक नहीं होते हैं, यानी इनमें दरारें नहीं आती हैं, क्योंकि ये नेचुरल क्ले से बने होते हैं। इनमें दरारें आ जाती हैं सूखने के बाद। अब फ्रेंड, हम इसमें कलर करना शुरू करते हैं। फर्स्ट टाइम हमें 2 टाइम इसमें वाइट प्लेन कलर करेंगे, उसके बाद हम फाइनल कलर करते हैं। फ्रेंड्स, अब हम इसमें प्लेन वाइट कलर करना शुरू कर देते हैं। फ्रेंड्स, इस कलर को हम 2 टाइम करेंगे। ये जो प्लेन कलर मैंने लिया है, ये प्लेन वाइट कलर है, यानी फैब्रिक कलर है। फ्रेंड्स, देखिए, इन पे हमने प्लेन वाइट कलर कर लिया है। ये वाइट प्लेन होने के बाद कितने सुंदर दिख रहे हैं। अब हम इनमें शेड दे देते हैं। इसकी शेड के लिए मैंने गोल्डन येलो और ब्राउन कलर लिया है। फ्रेंड्स, कलर करने का ये नियम होता है, जो हिस्सा हमने बाहर की तरफ निकालना है, यानी जो हिस्सा बाहर की तरफ निकला हुआ होता है उसे लाइट करते हैं, और जो अंदर की साइड होता है उसे हम डार्क करते हैं। शेड देते वक्त हमें इसी बात का ध्यान रखना होगा, 2 कलर्स की हमें मिक्सिंग देनी है इसमें, तो इस बात का ही ध्यान होगा कि कौन सा हिस्सा हमें ज़्यादा बाहर निकालना है, कौन सा हिस्सा हमें अंदर रखना है। देखिए फ्रेंड्स, जिधर मैंने ज़्यादा येलो लगाया है वो हिस्सा इसका बाहर का है। ये तो एक बना हुआ जो हमारी एक वो है, स्टैचू है, ये हमें बिल्कुल साफ साफ दिख रही है कौन सा हिस्सा बाहर है, कौन सा हिस्सा अंदर है। इसलिए इस पर कलर करना तो आपको बहुत ही आसान हो जाएगा। ऊपर से मैं इसमें जो कलर बना डालूंगी, यानी कलर इसमें करूंगी, ऊपर से मैं इसमें लेमन येलो की भी हल्की सी शेड दूंगी और वाइट कलर की भी हल्की सी शेड दूंगी। और मैं इसकी आइज जो हैं वो ब्लैक कलर से ही बनाऊंगी, और वाइट से जो उसका अंदर का जो उसका तारा होता है गोला वो बनाऊंगी, और रेड कलर से इसके मुँह और इसके नेल्स और इसके पैर साइड की नेल्स मैं बनाऊंगी। ऐसा कलर देने के बाद ये बहुत सुंदर दिखेगा। फ्रेंड्स, एक कंगारू जो है उसे मैं बिल्कुल प्लेन वाइट कलर में रखूंगी। वैसे इसमें आप अपने अनुसार भी शेड दे सकते हैं। जो इसकी नेचुरल जो इसमें कलर होते हैं वो यही इसी टाइप के कलर होते हैं, ब्राउन और गोल्डन येलो। और लेकिन मैंने इसे थोड़ा सुंदर दिखने के लिए इस तरह से ये कलर दिया है। आप इसमें अपनी इच्छा अनुसार जैसा कलर आपको अच्छा लगे वो आप दे सकते हैं। फ्रेंड्स, ये कंगारू आप अपने घर पे ज़रूर बनाइएगा, और इसे बनाने के लिए आप किसी भी प्रकार के क्ले का यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब